लोन ले रखे है इसके कटेंगे। ऐसी नौबत आई जो हमने लोन लोन ले लिया। मैंने अपने छोले का ब्याह करा था लोन लेकर, बोल। वो तो 15 साल पहले हो लिया ब्याह तो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पहले से तबीयत हो गई है थोड़ी सी बेटर, और अभी चलती हूँ, अभी मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखो, आज मैंने ये वाला सूट किया है वियर। अभी इसकी फुल लुक दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखो, ये है मेरी फुल लुक। और अभी मैं जा रही हूँ हमारे पड़ोस में, ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, हमारे पड़ोस में करवा रहे हैं गैस की कथा, हमारे पड़ोस में करवा रहे हैं गैस की कथा, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और मेरा है आज गैस का फास्ट, आज है देवठनी गैस, तो सभी को देवठनी गैस की शुभकामनाएं। तो गाइस चलती हूँ, अभी दरवाज़ा कर देती हूँ क्लोज। और जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, आप मिलते रहेंगे आपको। तो मम्मी तो पहले ही गई हुई है, तो मैं अभी जा रही हूँ, मम्मी ने बोला है कि तू भी आ जियो, तो मैं अभी जा रही हूँ। और क्या नाम, वहाँ पे अगर क्लिप ली गई तो मैं क्लिप लूँगी, थोड़ी बहुत नहीं ली गई तो कोई बात नहीं, अपना घर का आने के बाद व्लॉग दिखाऊंगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं व्लॉग, तो कंटिन्यू जरूर देखना और बने रहना व्लॉग में। ओके गाइस, है कबूतर लगी है जवाहर दे बेचन का नकली लिया अपने घर तक असली लिया ते दूसरा लिया हो हेलो गाइस, तो टाइम हो गया है 3:30 का, और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मी आज बना दो हमारे लिए पोहा, तो मैं अभी उनके लिए बनाने जा रही हूँ पोहा। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप देखना, अभी आपको दिखाती हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ, ज्यादा मिर्च मसाला या ज्यादा मसाले हम खाते नहीं है, तो सिंपल हल्दी नमक मिर्च डाल के और मैं बना देती हूँ इनके लिए, तो फिर ये खाते हैं अपना, और किस चीज के साथ खाते हैं वो भी दिखा दूंगी आपको। मेरे बच्चे तो यही पसंद करते हैं, और राग बाग के आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं। वैसे आजकल एक बात तो है, ये आपको भी पता होगा भाई, आपके घर में जिस जिसके घर में बच्चे उन सबको भी पता होता है कि पहले हमारा टाइम था ना, तो हम ये लगा लो किसी भी चीज के साथ, ये लगा लो गुड़ के साथ भी, गुड़ और लस्सी से भी रोटी खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतनी फरमाइश करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, इनकी फरमाइश पूरी करते करते माँ बाप माँ की हालत ही खराब हो जाती है। सुबह इनको अलग चीज चाहिए, दोपहर में अलग चाहिए, शाम को अलग चाहिए। और हमारा था, मम्मी हमारी रोटी बना के रख देती थी, और उसके बाद गांव में तो खेतों का काम होता, खेत में चली जाती थी, और हमारे तेरे सैस में अपने आप अपना रोटी ली डाल ली, कुछ भी अगर सब्जी बची है तो ठीक है, नहीं भी बची है तो अपना सुबह भी स्कूल गए तो मिर्च पराठे से, अचार पराठे से ले गए, या सिंपल रोटी भी ले गए। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ये लगा लो चाइनीज फूड पसंद करते हैं, ये इनको चाहिए क्या नाम है, पोहा हुआ, मैगी हुई, और क्या ये पास्ता हुआ, ये ऐसे ऐसी चीजें चाहिए इनको। लेकिन क्या करे, एक माँ बाप ये सोचता है आजकल एक एक दो दो बच्चे, चल बच्चों के लिए ही कमाया जाता है, बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं होती, फिर क्या। ये मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जीरा, राई है नहीं, वो रेड वाली राई डालती हूँ, लेकिन राई आज खत्म होगी है नहीं। ये मैंने इसमें डाल दिया प्याज, पहले बनाती थी ना मैं, जब तो मतलब कि ये
ज्यादा पाँच दिन पहले की बात नहीं है, पहले हम खाते नहीं थे, ये अभी एक दो साल से ही खाना स्टार्ट किया है। तो पहले ये ना इनके ग्रैंडफादर हैं जो, ये इन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे बनता है। तो पहले तो हम क्या करते थे, हल्का सा जीरा हुआ तो जीरा, अगर नहीं है वो राई भी तो राई, राई नहीं है तो जीरा, हल्का सा छोक लगाए जीरे में और पोहा डाल दिया। पोहा डालने के बाद फिर हम ऊपर से ये टमाटर प्याज डालते थे, लेकिन बच्चे ना कच्चा खाना पसंद नहीं करते, बहुत कम पसंद करते हैं। तो फिर अब मैं क्या करने लगी, पहले ना टमाटर प्याज को पका के और उसके बाद पोहा डालती हूँ। तो अभी ये रेड रेड हो जाएंगे प्याज, ज्यादा भी नहीं भूनती की, बस सब्जी की तरह ही ज्यादा भून लेती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, बस हल्की हल्की सी करती हूँ। फिर उसके बाद ये डाल देती हूँ टमाटर, और फिर टमाटर थोड़े से मतलब कि ये लगा लो हो जाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, तो उसके बाद फिर मैं डाल देती हूँ पोहा। तो अभी बन जाते हैं, फिर बन जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद। ये है मिर्च, ये हल्दी और ये है धनिया पाउडर। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, हल्दी, नमक, मिर्च और सूखा धनिया। ये मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट होने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी पोहा सॉफ्ट होने के बाद ही। ये उल्टे हाथ से कर लू ना, लेफ्ट से, तो ये अच्छे से हो नहीं पा रहा है। अभी मैंने फोन पकड़ा है लेफ्ट हैंड में, अब मैं अच्छे से इसको कर दूंगी, ये हो जाएंगे बिल्कुल। तो 2 मिनट भी क्या ये लगा लो, मैं 15 सेकंड के लिए इसको ढक देती हूँ थोड़ा सा, और मंदी कर दिए मैंने आग आँच, और अभी मैं इसको ढक देती हूँ। अब ये मैंने ढक दिए हैं, अब हो जाएंगे ना, फिर इनको इसमें डाल दूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। आज बन रहे हैं हमारे घर गर्मा गर्म पोहे। तो ये देखो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये पोहे, इधर दिखाओ भाई, क्या कितने टेस्टी लग रहे हैं। और ये वाले पोहे, ये वाले मत कर गंदे। और गाइस आपको एक चीज दिखाऊं, हटो 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 हटो, यहाँ पे हमने बनाई होममेड आइसक्रीम अपनी। और अभी मैं इन बच्चों की फरमाइश से डालूंगी इसमें नमकीन, बच्चों को है थोड़ी सी इसमें ऊपर से नमकीन डाल के पसंद, तो अभी बच्चे बताएंगे, दिखाओ आपको कौन सी नमकीन डलवानी है, लेके आओ। चलो मां लेके आते हैं, जल्दी फटाफट लेके आओ। आलू भुजिया डालो इसमें थोड़ी सी, थोड़ी सी डालो बस, ज्यादा नहीं है थोड़ी, एक मुट्ठी है। तो ये मैंने डाल दिया, अब मैं बच्चों को डाल के दे देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने के लिए अपना प्लेटर रेडी, और है कनिक का, ये है मेरे बेटे का छोटे का, और ये बड़े का, और मेरे बच्चे दही के साथ एंजॉय करते हैं। आपके बच्चे कैसे करते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने ये बना दिए बच्चों के लिए, बच्चे गर्मा गर्म इसके खाएंगे और बताएंगे कि कैसा लगा टेस्ट में। अभी टेस्ट करके बताओ आप कनिक, एक बार बताओ बेटा कैसे बने हैं, थोड़ा सा टेस्ट करके। बहुत बढ़िया, मतलब एक बार ही और लूंगा। चलो कोई नहीं, तो ये आपके लिए बच्चे हुए रखे हैं, तो आप ले लेना, बच्चों को बहुत आए पसंद, टेस्टी लगे, तो आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही बना के दे सकते हो। तो ओके गाइज, चलिए आप गए मिलते हैं। आप बुलाने का तरीका हिसाब लगा लिया इस बात का, 15 ला ली ना, 10 तेरे फूफा तो उस दिन देखा हूँ वो चीज थे, और तेरे ये जो है ना वो मिठाई के डिब्बे डिब्बे ये सब उसके बाद में ये आए हैं,
गेहूँ का कट्टा आया और भी कर ले। पर बताऊँ मैं खर्च तो मैं भी बताऊँ हूँ देवी जी। हाँ, 20 और दूंगी। पांच साल लिए 15 और मैंने रोज रोज। अब फिर मैंने कितने लिया? 1000 के लिया, 500 के लिया, 800 के लिया, उसको भी देने मैंने। मैंने कोई दे अपना 100 के लिए रिटायरमेंट पर। मैं तो 2 जोड़ी वो थे वो भी देने। मेरे बड़े बड़े खर्चे है, कदे नहीं सोच रही है तेरे तेरे। मेरे भी भगवान इशारा करे अब तेरी तरह चले। मेरी भी ऐसे ही सारी उंगली उंगली फिर चाहूं। मेरी भी तेरी तरह चले। मैं भी ये उंगली बना चाहूं जैसे तू ना चाहे। मैं सोच रहा था मगा उसके मेरे मन में तेरे भी तरले में मगा हानि हो गई। दुखा होगी क्योंकि पापा भी नहीं सोच रहे थे कि मैं दिन में कहने वाली है। मैं बताऊं हूँ 15 दिन में 20,000-40,000 तो महीने में लगे लगे। हाँ तो बहुत। मैं भी कह रहा हूँ 40 बल्कि फालतू भी सब चलेगा। दस ही पानी ये एक्स्ट्रा लगा। अरे ये तो चुटपुट में लगा लो कि नाम है जो मतलब जो गिनती में ना है। तो अलग है 10 तो। कौन से 10? तो 30 में तो दिए थे। 30 में कौन से? जो मैंने 30 दिए थे मत दिए 10। हाँ तूने मत। मैं कह रहा हूँ नहीं मान ले चल अभी तक का 20 का खर्चा लगा लो उसका। 30 दिए थे। 20 दिए थे 30 के लिए। दिमाग खराब हो रहा है। 30 बता रही थी मम्मी अभी। 30 बता रही थी। 30 बता रही थी। मेरे 20 का ध्यान था। अभी बता रही थी मम्मी कि 30 दिए थे मैंने। 30,000 डिस्कस कर रही थी। 30,000 का ये अपना मित्रला काट के दे दिए। हाँ कति दे दिए उत्तरला काट के दिल निकाल के दे दिया। नहीं और मन अपना दिल निकाल के कर दी थी तारे घर में वो नहीं कुछ भी। 10,000 में ये सारे रिश्तेदार सुनाएंगे देखेंगे बड़ा खींच के ले भाई। मैं ये टैग डालूंगी मम्मी ने मांगा है पापा से हिसाब। बना के दो हिसाब का। आलू का क्या मतलब हुआ? 600 इसका वो कल वो तेरे स्वेटर आया था। आया था वो मतलब कि मम्मी मम्मी खर्चे थोड़ी गिनवा रही है। 5 पैसे भी नहीं खर्चता। खर्चे ना गिनवाती मैं। नहीं मम्मी का कहने का मकसद ये भी नहीं है कि आप अपने ऊपर खर्च करो या किसी और के ऊपर खर्च करो ऐसा भी कुछ नहीं बोलती मम्मी। पर बट ये कह रही है फिर जब आप सुन लो बकवाद ने क्यों होगा सुननी अभी तक कोई चाहिए। 5 मिला के 20 ना हो जाएंगे। 15 और दे दूंगी तो मेरे को कहना 15 दूंगी तो 5 दे तो दे। हाँ, तो पापा ये सोच रहे ना कि 20 और दे दे। मैं पूछ रहा हूँ ना पैसा अभी ये देखेंगे ना गाइस देखेंगे। देखो सबूत है ये 20,000 और दे रही हूँ। 20,000 और दे 5,000 के 20,000 और दे रही 15 हिसाब पूरा कंप्लीट रखा है मम्मी। हिसाब में कोई हेरा फेरी नहीं। मेरे दो रेग तो चल रहा है मेरे जी नहीं लग रहा है। मम्मी का घर में जी नहीं लगता पैसे वगैरह। कोई नहीं मम्मी ये तो आती जाती चीज है हो जाएगा फिर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 2,00,000 अब कटेंगे किस्त के मेरी। कोई नहीं सब चलता है। देखो भाई 2,00,000 किस्त के कटेंगे वो दिसंबर में। सारी डिटेल मत बताओ। ये तो हमारी पर्सनल बात है। मैंने लोन ले रखा है इसके कटेंगे। ऐसी नो बता जो हमने लोन ले लिया। अपने छोले का ब्याह कर रहा था लोन लेके बोल। वो तो 15 साल पहले हो लिया ब्याह तो। जब लिया था लोन वो ही तक भरा नहीं ना। हम ना भरा करते लोन ना। लोन वाले घर पे आ जाएंगे ठा ले जाएंगे आपने। मैं किसी तरह वे कई जने आओगे ठाल डाटी हुई करके ले जाएंगे। शादी में नहीं खाओगे के? जरा सी एक चाक के देखो मैं ना चाखू मेरा व्रत है। टेस्टी बनाई थी कल चखी हमने तो बहुत बढ़िया बना रखी थी।
मेरे ब्रेथ है, मैं ना नहीं हूँ आज, फिर भी बार बार मान लग रहा है। तू पूजा, तू पूजा प्रोग्राम में जितना बढ़ता था क्यों कुछ ना खा लेगी कुछ जो खाने की ना जा रही, मैं टेंशन मत लो आप, चल ना एक तो गाइस बन जाएगा पता नहीं क्यों बड़ा सा देखा था ना लगता ना और कितने दर्द हम डांस व्रांस करते हुए नाचते हुए या जब तो बना और वो क्या नाम है जो इसने जुड़ू तो वो खा लेगी मोटरसाइकिल पे चलेंगे अरे ये रोंग साइड से यहाँ मेट्रो स्टेशन आज है देव ठीक है तो भी देव खा रहे तो हमने तो देवा के नीचे ये रखा था, आपके वहां पे क्या क्या रखते हैं? हमारे तो यही रस्म होती है जो हम करते आए शुरू से ही, तो आप अपने बता देना कमेंट में कि आपके वहां पे कैसे क्या क्या होता है। तो अब ये दीवा इसलिए किस लिए जलाए मम्मी आप बताओ? ये इसकी शाही डालने से आंख दुखने नहीं आती। हाँ, तो शाही बन जाएगी ना तो सब शाही डाल लेंगे, आंख नहीं दुखेंगी फिर। ठीक है, ये देखो ये सारे हो गए हैं शादी में जाने के लिए रेडी, तो अभी दिखाती हूँ इन सब का लुक आपको। ये दिखा रहा हूँ मैं, ये सीजन नहीं आऊंगा जिन्हें में भी होगी, जिन्हें में तो होगी बहुत सारी होगी जिन्हें में तो करवाऊंगा। दिखाओ दिखाओ चेहरा। आई एम रेडी गाइस, गाइस आई एम रेडी। इनका लुक देख लो कैसे लग रहे हैं ये। जिम डालो खुश हो रहे हैं ये, मेरे को नहीं लेके जा रहे ना इसलिए खुश हो रहे हैं ये। स्कूटी में चला रहा मैं क्या कह रही हूँ, मैं कही मेरे को नहीं लेके जा रहे ना इसलिए राजी हो रहे हैं जानते ही। वो दे दिए कार्ड आप है? आपकी कह रही मैं कितने खुश हो गए, मेरे को नहीं जाना पड़ा ना तो मेरे नाम से खुश हो गए। ये लिपो तीम करके जाओ ये सारी फिर मुंह के अंदर जाओ की तारी। ओहो डांस चालू हो गया मच गया। भाई जैसा भी हो देख लेना वहां जाने के बाद पता चल जाएगा आपको। भाई ये लड़का देखो थू थू नजर ना लगे, हमारा स्मार्ट हो गया है काफी। हाँ जी आप कुछ करना चाहिए था, आप कुछ निकलना चाहिए था। क्यों भाई क्या हो गया? अच्छा I am great। तो ये सेकंड लुक देखिए आप, हाँ भाई रुमाल ले ले और इन्हें सिर पे कैप उड़ लियो जब उस पे जाओ, जब आइसक्रीम खाओ खूब जुकाम तुम्हारे ना तो मेरा होगा स्कूटी पे बेटा ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, 2 मिनट में जुकाम हो जाएगा, उड़ जाएगी वो तो। कोई
क्या हुआ? यू आर रेडी? ये मैं मम्मा का बनी हूं। ना ना बिल्कुल भी नहीं, ये अच्छी लग रही है इससे तो। ओ बाबू जी कि मैं किसी की मान लिया कर। यही बहुत अच्छे बेटा, और मैं इसमें से कई कपड़े निकाल के दूंगी तेरे को, वो तू पहन लिया कर, तेरे पापा नहीं पहनते उनको। आजा बेटा, क्या देखे तू, लग रहा बड़ी रात, तू क्या देखेगा बेटा? नहीं लग रहा यार, स्मार्ट लग रहा है, स्मार्ट अच्छा लिखते है तू, तो कितना दर्जा है। अरे ये कैप उठ ली, मैं यूं कह रही जब उस पे स्कूटी पे जाओ जब वहां। हां ये लड़का अच्छा, देख ये सारी बात मान लेता है, अच्छा लगता है। मैंने अपना खुद कहा वैसे, बानू ने कहा देखो, ये देखो मम्मी की लुक, तू कह दे ना रानी को। चलिए ये जाते हैं अभी, मेरा है आज एकादशी का फास्ट, और मैं अपने ये फ्राई कर रही हूं आलू, मैंने और कान्हा जी ने, हमने दोनों ने रखा है फास्ट। अभी कान्हा जी को भी दूंगी बना के, और मैं भी अपना बना लेती हूँ जब तक ये चले जाते हैं। बाय बाय बेटा, अच्छे से एंजॉय करके आना, अच्छे से खा के आना। तो ये चले गए हैं, मैं अभी दिखाती हूँ बाहर से। बच्चे तो आगे हैं, आगे आगे अभी मम्मी आ रही है, ये देखो। देखो दादी पोता मिल रहे हैं गले। बड़ा उधर जा लिया है, छोटे वाला उधर गया, वो आगे इधर, और ये आ गए हैं पापा। अभी मम्मी जाएगी पापा के साथ। तो ये आ गए हैं। बाय बाय, ओके। तो ये जाएंगे अपने पापा के साथ। बाय बाय। ये चले गए हैं, देखिए एवरीवन। तो ये देखो 10:10 हो गई है, और अभी तक आए नहीं है शादी में से। तो मैं अब कर रही हूँ इस व्लॉग का यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, और आपने खूब एंजॉय भी किया होगा। तो आप व्लॉग को पूरा जरूर देखा करो। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।